हेलो, हेलो। क्या हाल चाल जी? बढ़िया, आप क्या कर रहे हो? यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? मैं यही सोच रहा था कि यार इतना ज़्यादा नर्वसनेस है इसके चेहरे पे, पता है। बार बार देख रहा हूँ मैं कि व्हाट्सएप पे टाइपिंग आ रही है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कुछ भेजेगी टाइप करके। फिर देख रहा हूँ कोई मैसेज नहीं आया, फिर कुछ सेकंड के बाद देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे लिख आ रहा टाइपिंग। मैंने कहा फिर कुछ नहीं भेजा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे माइंड में कुछ तो चल रहा है, कि कुछ बताना है, कुछ बोलना है, बट तुम भेज नहीं रही हो। क्या बात है? या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये चीज़ आपको कैसे बताऊं। कैसे बताते हैं? मतलब क्या, बोलने का तो एक ही तरीका होता है यार, मुंह से बोल के। और कोई तरीका है क्या? अरे नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। तो एक काम करो, एक प्यारी सी लेटर लिखो, ठीक है? जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ करते थे ना, कि मतलब गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चिट्ठी भेजती थी कबूतर से, वैसे तुम जो है ना एक प्यारी सी कबूतरी लो, उसको भेजो, ठीक है? चिट्ठी में लिख करके, शायद उससे काम हाँ, तुम्हारा बन मेरे जाए। पास तो कोई भी कबूतरी नहीं है। हाँ, तुम खुद तो कबूतरी हो ना, मुझे ही बताना होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, खुद ही तुम कबूतरी हो ना, तो फिर अपना मैसेज तुम्हें खुद ही डिलीवर करना पड़ेगा। चलो बताओ। हाँ, वैसे आपको घर वालों ने कुछ बताया क्या? मुझे हाँ नहीं यार कुछ बताया तो नहीं, लेकिन देख रहा हूँ मम्मी पापा कुछ ज्यादा ही सुपर एक्साइटेड हैं यार। मतलब पहले से तैयारियां उन्होंने डबल ट्रिपल कर दी है, पता नहीं क्या करके मानेंगे ये लोग। मतलब आपको नहीं पता है। नहीं यार मैं तो वैसे भी सारा दिन तो ऑफिस में ही था, अभी जस्ट ऑफिस से निकला ही हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा। हाँ, वो बात भी है। चलो अच्छा, आपको नहीं पता है, ये गुड न्यूज़ मैं ही आपको दे दे बता बताओ बताओ। दूँ। बता दो यार, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। सच्ची, हाँ कब की डेट बनी है? ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। अब ये मत बोल देना कि कल ही शादी है। पागल हो क्या यार, एक दिन में कोई शादी होती है? ओके, शादी में करनी क्या होती है यार, बस माला पहनाना होता है और मंगलसूत्र और सिंदूर, और क्या। ऐसा ऐसा ना सिर्फ बोलने को होता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, तुमने इससे पहले कितनी शादियां करी है? अरे करी नहीं है पागल, देखी तो है ना। और मेरे घर की शादी थी तो अरे सब चीज अपनी आंखों से देखा है कि कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, कितने सारे लोगों को बुलाना होता है, कार्ड भिजवाना होता है, बहुत काम होता है यार, बहुत। इतना आसान मत समझो, आपके घर की पहली शादी है ना, आप लोगों की तो बैंड बजने वाली है देखना। हाँ बस यार मेरी बैंड ना बजे एटलीस्ट कम से कम। अरे दूल्हे से थोड़ी काम कराते हैं। अरे यार हमारे घर का कोई ठीक नहीं है, ठीक है? फिर पता चले मम्मा बोलेगी यार कि ये अरेंजमेंट देख ले, वो अरेंजमेंट देख ले। मम्मा तो सुपर एक्साइटेड है, बट पता चला कुछ भी चीजें बीच में अटकी तो फिर मुझे बोलेंगी यार आकाश ये देख ले यार, यार वो कैटरिंग वाले को फोन कर ले, यार वो फूल वाले को फोन कर ले, ऐसे ही यार करती है हमारे घर। दूल्हा दूल्हा ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा। आपको ना मस्त स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी शादी में, ऐसा नहीं हो पाएगा। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चलो सारा काम करवा लो, डेकोरेशन कैटरिंग कुछ भी करवा लो, बस यार ये मत बोल देना कि बेटा अपनी शादी के कार्ड तो खुद ही जाके बांट दे, ये ना करवा दे बस। अरे यार, तो ऐसा नहीं होगा यार, कार्ड बांटने के दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोग जाके दे देते हैं कार्ड। सोचो कैसा लगे यार, मैं अपनी शादी के लिए मैं खुद ही निमंत्रण दूंगा लोगों, कैसा सा लगेगा यार। ये तो अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। लोग कहेंगे भाई ये घोड़ी चढ़ने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है ये बंदा। होगा। वैसे हमारी शादी की डेट ना पंडित जी ने 1 वीक बाद ही निकाली है। वही इतनी जल्दी? तो, इतनी जल्दी, बस 1 वीक है। आप सोच रहे हो, अभी तक मेरे घर में ना कुछ भी नहीं किया यार लोगों ने, ना शॉपिंग करी है, ना कार्ड बांटा है, ना लोगों को बोला है, ना डेकोरेशन का भी कुछ नहीं किया है। सिर्फ 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा यार, 7 दिन में? और हाँ फिर तुम बोलोगी कि मैंने तो अभी तक ब्राइडल लहंगा भी पसंद नहीं किया। अरे नहीं, मैं तो बोलती हूँ ना कि हम कल चलते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने दोनों, कि हम लोग दोनों मैचिंग मैचिंग देने वाले हैं ना। हाँ फिर ताकि जो है मेरे दोस्त जो है ना पहले से मुझे चिढ़ाने लगे कि शादी से पहले ही जो है ना जोरू का गुलाम बन गया। नहीं यार अच्छा लगता है, फोटोज अच्छे आएंगे, समझा करो ना।
अच्छा तुम्हें फोटो की पड़ी है, मुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। पता है यार इतने हरामी मेरे दोस्त हैं ना साले, पहले से पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके बैठे हैं कि दोस्त को जो है ना रिसेप्शन पे बेलन देंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें। बहुत बड़े वाले यार बदमाश हैं ये लोग। कैसे होता है। खैर छोड़ो, पता है मैंने कितना कुछ सोचा था कि हमें 2-3 महीने मिलेंगे ना, तो हम ना प्री वेडिंग शूट करवाएंगे अपना, बिल्कुल अच्छे से, अच्छे वाले जगह पे जाएंगे, कोई अच्छी जगह, और ना शूट कराएंगे, फोटोज अच्छी आएंगी। यार सब कुछ खराब कर दिया यार पंडित जी ने तो। यार अब तो पता है, अब तो मुझे लग रहा है ना कि हनीमून के टाइम पे जो है ना ये लोग मेरे से प्री वेडिंग शूट मत तुम करवा लेना फिर। अरे नहीं, तब थोड़ी वो शादी से पहले होती है प्री वेडिंग। अरे पागल, लोगों को क्या ही पता चलेगा कि हमने शूट शादी के पहले करी है कि बाद में करी है। हाँ कोई बात नहीं, प्री नहीं करेंगे, पोस्ट वेडिंग शूट करवा अरे पोस्ट वेडिंग शूट करवाएंगे। नहीं लेंगे। पोस्ट वेडिंग शूट पता कौन सी वाली होती है? पोस्ट वेडिंग शूट तब होती है ना जब क्या कहते हैं वो, मतलब फर्स्ट टाइम जो गोद भराई की रस्म होती है वो सारी चीज उसमें होती है पोस्ट वेडिंग शूट। हैं ऐसा नहीं होता, तो कैसा होता है? अच्छा शादी के बाद भी लोग करवाते हैं शूट, उसे बोलते हैं। ये वाली बात है। अच्छा वैसे तुम शादी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ। यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी जो अरेंज मैरिज है ना, अरेंज मैरिज जैसा फील ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारी लव मैरिज, और फैमिली हाँ भी मान गई है, मतलब अरेंज मैरिज तो लग ही नहीं रही यार, कोई भी एंगल से नहीं लग रही। मतलब हमें मिले हुए 1 महीने भी नहीं हुए और 1 महीने से पहले से इतने कम टाइम में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? हाँ यार वो जो कहते फूका हुआ मोहब्बत वो वाला। नहीं है, मतलब अब आदत हो गई, अच्छे लगते हो आप और आपकी फैमिली। हे भगवान हे भगवान, इतनी कम समय में इतना गहरी मोहब्बत, इतना मत करो यार प्यार। कहीं पता है मैं कहीं मैं फूल ना जाऊं यार इतनी प्यार को देख करके। मेरे से इतना ज्यादा मोहब्बत डाइजेस्ट नहीं होती रे बाबा। अच्छा तो मतलब आप चाहते हो कि मैं गुस्सा करूं? मैंने कब बोला? वैसे ही पता है तुम्हारे ना नाक पे 24 घंटा गुस्सा रहता है, जब तुम बोलती हो ना तो ऐसे लग रहा है ना पता नहीं जैसे एहसान करे मेरे बोल पे, 24 घंटा गुस्सा गुस्सा गुस्सा। पता ना क्यों गुस्सा रहती हो तुम? मैं कहाँ गुस्सा हूँ? तुम्हारी बातों से तो लगता है कभी वॉइस तेज कभी स्लो, पता नहीं क्या कहते कोई वेव की तरह जैसे बात करी, कभी गुस्सा कभी मूड हैप्पी। क्या मूड स्विंग्स होते क्या तुम्हें? हे शायद होते हैं। भगवान कैसी डिफेक्टिव लड़की दे दी है मुझे जिंदगी बर्बाद। प्लीज ना आप मुझे ही मत बोलो, ठीक है? आप तो मुझसे भी ज्यादा हो, अच्छा मैं क्योंकि ज्यादा हूँ आप आपको याद तुम? है हमने जब फर्स्ट टाइम बात करी थी रुके के बाद, तो आप कितना रूड बिहेव किया था आपने। अच्छा मैंने रूड बिहेव किया था? मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उस टाइम में ना मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया था, ठीक है? और आप ऐसे बोल रहे थे, पता नहीं मतलब मेरे आपका कोई दुश्मन हो फोन पे। मतलब कि तुम क्या चाहते हो मैं पहले ही बाद में चुम्मा चाटी वाली बातें शुरू कर दूं क्या? हाँ नॉर्मल टाइम जब फर्स्ट टाइम जब मुझे पता नहीं कि यार कौन मुझे कॉल कर रहा है तो फिर मैं कैसे बात करूं? वैसे भी तुम तो बता नहीं रही थी ना कि तुम कौन बोल रही हो, तुम बस बोल रही थी पहचानो पहचानो पहचानो। कैसे पता चलेगा जब कभी बात करी ही नहीं पहले? तो मुझे कोई सपना आएगा क्या कि मेरी होने वाली पत्नी का फोन आ रहा है? हाँ अरे नहीं, मतलब मुझे लगा शायद आप मेरी आवाज पहचान जाओगे यार। हो तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे नहीं होता कि हम लोग 7 जन्मों के साथी हैं, जो कभी पुरानी मोहब्बत जो पहले बिछड़े हुए, जो लड़की फर्स्ट टाइम मेरे पास में और मैं आवाज से पहचान लूं। हमारी अरेंज मैरिज हो रही है मैडम, लव मैरिज नहीं है ठीक ना? पर मुझे लव मैरिज वाली फीलिंग आ रही है अब तो। लव मैरिज वाली फीलिंग आ रही है। बट यार पता है जब से मैंने तुम्हें देखा ना एंगेजमेंट में और उसके बाद भी, तो पता नहीं कहीं नहीं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ये। धोखा मतलब मतलब ये लग रहा है ना कि तुम्हारे घर वालों ने जो है अच्छा माल घर में रख करके मुझे डिफेक्टिव पीस चिपका रहे हैं।
मैं आपको डिफेक्टिव लग तुम ही बताओ यार, ऐसी लड़की जिसके टाइम टाइम पे मूड स्विंग्स हो रहे, एक तो ये लड़की और दूसरी तरफ छोटी प्यारी साली जो इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी साली है, क्या तुमसे 1 साल छोटी तो है ना यार। इतना अच्छा सामान रख करके घर में, अब बताओ डिफेक्टिव माल मुझे दे रहे हैं यार, वो तो कहीं ना कहीं सरासर नाइंसाफी है ना मेरे साथ में, बताओ। रही हूँ। अच्छा, मतलब वो पहले छोटी की शादी कराते और बड़ी की बात में। तो ठीक है यार, अगर वो नहीं करवा सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बाय वन गेट वन फ्री कर दे। पागलों क्यों क्या होता अरे पापा, वैसे भी तो साली आधी घर वाली होती है ना, पूरी हो जाएगी, क्या टेंशन है। है, ये सब बोलने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तुम्हें बर्फ पता है, बड़े बुजुर्ग जो कह के गए कुछ तो मतलब रहा होगा ना। ऐसा कोई मतलब ठीक है। और वैसे भी वो ना इतना शैतान है ना वो लड़की, भाई दिमाग खराब कर देगी वो आपको। अरे नहीं यार, तुम तो ऐसे बोले यार, कितनी क्यूट सी, कितनी प्यारी सी यार, पता है कितने प्यार से आके बोलती जीजू जीजू बोल के हग कर लेती है। पता है मेरा तो मन करता है शादी के बाद जो ना दहेज के रूप में उसे उठा के घर ले आऊं। अच्छा, पैसे देना आप उसे बहुत सारे, जूते चुराएगी ना आपका, तब पता चलेगा आपको वो कितनी शैतान है। हाँ जूते चुराएगी मेरी, यार, साली तो चुराती है ना जूते हैं आप। कोई बात नहीं यार, मैं तो फिर एक जोड़ी एक्स्ट्रा जूते लेके जाऊंगा फिर तो। ऐसा होता नहीं होता, पैसे देने ही पड़ेंगे। ये तो रसम है ना। अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है दे दूंगा। वैसे कितने पैसे देने पड़ते हैं इसमें? हाँ भाई कुछ 1 लाख। 1 लाख हाँ यार, इतने पैसे के लिए तो पता है मुझे अपनी किडनी, लीवर, गुर्दे, फेफड़े, पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ेगा। तो फिर भेज देना, क्योंकि इतने तो लगेंगे और वो लोग इससे कम में तो मानेंगे नहीं, मुझे पता है। हे भगवान, मुझे रोना आ रहा पापा, मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, लिटरली। इतने 1 लाख रुपए लेके आना ठीक है, साथ में। अच्छा 1 लाख रुपए लेके आऊंगा। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए मेरे जो होने वाले ससुर जी जो ना बहुत ज्यादा दिलदार हैं, ठीक ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। इसमें वो क्या करेंगे, जूते तो सालियां चुराती हैं और पैसे की डिमांड भी वही लोग करते हैं। कोई बात नहीं बाबा, मैं इसमें उनको ब्लैंक इसमें चेक दे दूंगा, फैमिली वाले नहीं आते बीच में। मैं उनको ब्लैंक चेक दे दूंगा, ठीक है, मैं शाली को ब्लैंक अच्छा चेक दे दूंगा। अच्छा ओके, देखते हैं। वैसे एक बार बताना बेबी, इसमें जो ईएमआई का ऑप्शन होता है कि नहीं, कि जूते चुराई में ऐसा हो कि हाँ ईएमआई पे पैसे दे सके। वो तो उनसे पूछना, मैं क्या बताऊंगी। यार एक बार बताओ, तुम होने वाली वाइफ हो मेरी, तुम इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं करोगी? नहीं, मैं तो इस गेम से बिल्कुल बाहर हूँ, मुझे मत इन्वॉल्व करो इसमें। मतलब तुम्हारे पति के पैसे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कर्तव्य बनता है ना यार कि उन पैसों को बचाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ कितनी गंदी हो यार तुम। यार ये रस्म होती है, ये देना होता है। अच्छा, ठीक है बाबा, मैं समझ गया, मैं समझ गया कि शादी से पहले मेरा लंबा वाला कटने वाला, अभी से समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा है आपके लिए। वैसे आपने कुछ प्लान किया है क्या, कि शादी के बाद कहीं ट्रिप पे जाने का। शादी के बाद ट्रिप पे जाने का? हाँ यार देखो यार, वैसे भी पता है बड़ी मुश्किल से जो ना शादी के लिए जो 2 4 5 दिन की छुट्टी मिल पाएगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता यार कि कहीं ट्रिप भी पॉसिबल हो पाएगा। आई थिंक तो मतलब शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। क्यों, तुम्हें जाना है क्या, हाँ तो तुम अकेले क्यों, चले जाओ। क्या यार कुछ भी, अकेले कौन जाता है, अकेले कौन जाता है? थोड़ी मजा आएगा। जाता है, क्वीन मूवी में देख लो, कंगना रनावत अकेले गई थी कि नहीं हनीमून पे। यार वो फिल्म थी, यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग यार नहीं चल रही है। तुम कोई क्वीन से कम हो क्या, तुम भी तो अकेले जा सकती हो ना बाबा। नहीं, शादी के बाद ना मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार तो आपके साथ ट्रिप पे जाऊंगा। आप नहीं जाते क्या? पता नहीं यार, अभी शादी से पहले कह रही है मुझे ट्रिप पे जाना है,
फिर शादी के बाद कहेगी, बेबी सुनो ना मुझे गहने चाहिए। उसके बाद बोलेगी, बेबी सुनो ना मुझे शॉपिंग जाना। फिर बोलेगी, बेबी सुनो ना मुझे ये करना वो करना। बर्बाद जीवन पहले से। इसीलिए लोग कहते हैं ना, शादी करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा तो आप ऐसा सोचते शादी को लेके? यार मुझे पता, बहुत डर लगता है यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि शादी से पहले लड़की जो है ना, प्यारी प्यारी बातें करके लड़के को अपने जाल में फंसा लेती है। उसके बाद तो फिर बोलेगी, बेबी सुनो ना आज ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक ना, आज जो आप खाना ऑनलाइन मंगवा लो ना। फिर कल होके कहेगी, बेबी सुनो ना आज ना मम्मा के पास जाना है मुझे, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो ना। फिर कभी बोलेगी, बेबी सुनो ना मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। सारा दिन बोल बोल के, बेबी 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 बोल बोल के जो ना मुझे बेबी बना देगी, और भाई साहब खुद अपना सारा काम करवाएगी। अच्छा तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? हाँ क्यों, सभी लड़कियां तो सेम ही होती है ना, तुम कौन सी अलग नहीं, हो? सब लड़कियां सेम नहीं होती। जैसे सारे लड़के सेम नहीं होते ना, वैसे सारी लड़कियां भी सेम नहीं होती। अच्छा तो लड़कियां अलग अलग होती है, बिल्कुल, तुम कैसे अलग सारी हो? लड़कियां क्यों, तुम्हारे अंदर कोई सींग लगा है क्या? सेम नहीं लगा है, लेकिन मैं बहुत अलग हूँ लड़कियों से। मैं ना ऐसे गोल्ड डिगर टाइप तो बिल्कुल नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो लड़कियों को लेके। देखिए मैं ना ऐसी बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है ना, जो बस अपने पति के पैसों पे ना ऐश करें। मैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, ठीक है, मैं खुद कमाती हूँ और खुद अपने पैसे उड़ाती बट यार एक बार बताओ हूँ। यार, ये मतलब क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि, देखो मैंने हर जगह सुना है ना कि पत्नियां जो है ना पति के पैसों पे ऐश करती है, लेकिन कभी ऐसा हो कि पति अगर चाहे पत्नी के पैसे पे ऐश करना अगर, तो क्या ये चलेगा? हाँ क्यों नहीं, मतलब अगर आपको कभी मुझसे पैसे चाहिए होंगे या फिर कभी जरूरत हो तो जरूर आप मुझसे ले सकते हो। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने सोचा यार, जब तुम अच्छा खासा जॉब करती हो, तो मैं सोचता मैं अपना काम छोड़ दूं और सारा दिन घर पे मस्त आराम से सोऊं, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से बिंदास, कभी ये वेब सीरीज, कभी नेटफ्लिक्स, कभी हॉटस्टार, कभी कभी अमेजॉन प्राइम, सारा दिन सोऊं खाऊं टीवी देखूं बस, और कुछ नहीं करना पड़े मुझे। अच्छा मतलब घर का काम भी मैं देखूं, बाहर का काम भी मैं देखूं, और आप मस्त ऐसे बेड पे सोते रहो, है ना? तो ठीक है यार, घर का काम तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं घर जमाई बन जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं यार। और आपके मम्मी पापा का क्या होगा? मम्मी पापा का क्या होगा? मम्मी पापा का क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। एक काम करना, तुम यहाँ पे रहना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, मैं सास ससुर जी के पास रहूंगा आराम से मस्त। सुबह सुबह उठाऊ, सासू माँ बोलेगी, बेटे जी आपके लिए ये ब्रेकफास्ट बनाया, शाम को वो, दोपहर को ये, कभी कुछ, मतलब ऐसी है मौज ही मौज। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं ना, पागल अरे बाबा तुम सोचो, जस्ट इमेजिन, सुबह सुबह मैं उठ रहा हूँ, सासू माँ के पैर छू रहा हूँ, गुड़ लगाई में जो है 2,000 के नोट, फिर शाम में आराम से जब जब लंच का डिनर का टाइम होता है ना, उस समय गर्मा गर्म बिरयानी, क्या क्या चीजें, क्या क्या चीज होती है, बहुत सारी चीजें, लजीज चीजें होती है स्वीट्स में, फिर मतलब लोग। अच्छा 56 प्रकार के खाने, मतलब सासू माँ बना बना खिला ऐसा रही है। ना, बस कुछ दिन के लिए होता है, नए नए में, फिर बाद में ना घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती। मतलब इसका ये मतलब है, स्टार्टिंग में जैसे तुम प्यारी प्यारी बातें कर रही हो, बाद में चल के मेरा कटने वाला है? हाँ हाँ अगर आप ऐसे ना काम चोर बन जाओगे ना तो मैं ऐसे ही बन जाऊंगी। ये क्या बात हुई यार, बताओ, मैं नहीं चाहता यार कि यार दोनों इंसान काम करे। अबे तुम काम कर रहे हो ना यार, मैं काम करके क्या करूंगा यार, वैसे भी पता है स्टार्टिंग से लोगों ने क्या बोला मुझे, सुन भाई नहीं सॉरी, स्टार्टिंग से मम्मा ने बोला है कि 10th पास कर ले फिर तो मौज ही मौज। जब 10th पास आउट कर लिया, फिर मम्मा कहते यार 12th के बोर्ड के एग्जाम दे दे, फिर लाइफ में कोई टेंशन, फिर मौज ही मौज। उसके बाद कहा कि ठीक है यार चल कोई दिक्कत की बात है, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ले, फिर मौज ही मौज, सारी चीजें कर ली बट मौज नहीं मिला। अब लास्ट में क्या कहते, शादी कर ले फिर मौज ही मौज। कहाँ गया मौज, कौन सा मौज? कोई मौज नहीं है, ठीक है, जिंदगी भर काम करना होता है और मेहनत करनी होती है, ये ना बस बोलने के लिए होता है, बट और काम के यार बीच में ही मजा होता मैंने तो शादी के लिए बस इसीलिए हाँ करी थी ना कि सुबह सुबह उठने पे जो है मतलब प्यारा सा ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद जब मैं घर पे आऊं ऑफिस खत्म करके,
तो यार प्यारी सी वाइफ आकर के बोलेगी, हाँ जी लीजिए आपका चाय रेडी है, ब्रेकफास्ट कर लो, खाना खा लो, उसके बाद में वो आपको आराम से कभी भी सोना। मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो आपको काम करने पे भी मिलेगा। बट मैं पहले एक बार बता देता हूँ, ठीक है, जब मैं सोऊँ ना तो फिर मुझे मॉर्निंग में जल्दी मत जगाना, क्या उठो 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 ऑफिस जाना है, क्योंकि यार आई लव स्लीपिंग, ओके ना। ओके, बस आप अपने ऑफिस के टाइम से पहले उठ जाना, ठीक है? ठीक है जी, और कोई? नहीं, तो चलो फिर, हम लोग को कल तो शॉपिंग पे जाना ही है, ठीक आप रेडी रहना, ठीक है? है, बट हाँ पैसे तुम पेमेंट करोगी, ठीक ना, ठीक है। मान गई? वाह यार, तुम इतनी प्यारी, इतनी जल्दी मान गई मेरी बात, हाँ, इसमें क्या है, मैं चलो आपका ठीक। दे दूंगी, आप मेरा दे देना। ओ, अब आया ना, अब आया जवाब, ठीक है ठीक है, मुझे तो पता था कि कुछ नहीं कुछ तो यूनिक आएगा ही आएगा, ठीक है मैडम, ठीक है ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, ठीक ना, बाय ठीक है, बाय। बाय बाय बाय। तो गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टिल देन टेक केयर, बाय।